उत्तराखंड के रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में आज आशीष हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें कि आशीष की हत्या उसकी बहन के देवर ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया है। सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात मणिकांत मिश्र ने बताया कि 3 दिसंबर को विजेंद्र काम्बोज पुत्र कुणाल निवासी जसवा वाला ने तहरीर देकर बताया था कि उसका भतीजा आशीष अपनी बहन की ननंद को मोटरसाइकिल से उसके घर तोता टांडा थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर छोड़ने गया था, लेकिन घर वापिस नहीं लौटा। वहीं जब पुलिस ने तलाश की तो आशीष का शव बरामद हुआ था, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। 12 दिसंबर को पुलिस टीम ने आशीष की बहन के देवर मोहित पुत्र सुलेख निवासी टांडा थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश व उसके साथी विभिन्न पुत्र राजेश थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर को गिरफ्तार किया। वहीं आशीष की मां और बहन का कहना है कि मोहित को फांसी दी जानी चाहिए। वहीं घटना को लेकर रिश्तेदारों में भी काफी रोष है। हमारा कुछ नहीं रहा, उसका भी कुछ नहीं रहना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। इस बात का पता नहीं हुआ क्या, क्यों ऐसा? मेरे पास तो कोई नाराजगी कोई बात ही नहीं थी ना, क्या चाहिए तो पैसे चाहिए तो मैं देती ना, मैं चाहे घर बेच के देती, नहीं कमा सकता था, लापाइज है। अकेला बेटा था, अकेला बेटा था, बाप नहीं था मेरे बच्चों, मैंने 3 साल का अपना बच्चा पाला। अब क्या सजा की आप? करने वाले सोचा है कि ऐसा काम ना करे, हमारे से हाथ जोड़ो, सबके सामने देनी चाहिए, किसी ने दीन हो। इसी महीने की 3 तारीख में बुग्गा वाला थाना क्षेत्र के गांव में एक व्यक्ति जो करियर का रहने वाला था उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के दिन ही ये आभास हो गया कि कोई नज़दीकी रिश्तेदार है जिसने इसकी हत्या की है। पुलिस और तथ्यों की जांच करती रही, बाद में जो तथ्य सामने आए उसमें इस लड़के मृतक का रिश्तेदार मोहित और उसका एक दोस्त विपिन, इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। असलहा जो प्रयोग हुआ था वो बरामद हो चुका है और इन्हें आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पूछताछ से और तथ्यों के आधार पर यह पता चला कि ये मृतक की बहन पर बुरी नज़र रखता था और मृतक ने इसको एक दो बार मना भी किया, चूँकि रिश्तेदार था तो बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं कर पाया, इसलिए वो इसे रास्ते से हटाना चाहता था। के बागेश्वर में सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा धूम्रपान मदिरा पान से होने वाली बीमारियों की मॉडल के माध्यम से जानकारी दी गई। वहीं सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम, पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली उत्पादन व कूड़ा निस्तारण के बारे में दर्शकों को जागरूक किया। कार्यक्रम के आयोजक नईम रजा खान ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को हर क्षेत्र में विकास कराना है, पढ़ाई के साथ ही अन्य गतिविधियों में बच्चे का आगे आना जरूरी है। विद्यालय के प्रबंधक जावेद सिद्दीकी ने कहा कि विद्यालय द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनका उद्देश्य समाज में जन चेतना लाना है। हम सिर्फ बच्चों को किताबी एजुकेशन ना देके हम सिखाना चाहते हैं ना, डूइंग बाय द लर्निंग, कुछ करके कुछ सीखना, जब कुछ करेंगे तभी वो कुछ सीखेंगे। कॉम्पिटिशन कराते हैं, इसके पीछे 2 मकसद हैं। एक तो यह है कि जो बच्चों का किताबी ज्ञान है उससे बाहर निकल के उसको करके देखें, और दूसरा यह है कि जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर नई जागरूकता पैदा होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सवाल नहीं कर पाते हैं, जिनका टीचर जवाब नहीं दे पाते हैं, तो ये मॉडल कॉम्पिटिशन इसके लिए एक दरवाज़ा खोलता है। साइंस का उपयोग करते हुए जो भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और पहाड़ी इलाकों में वाटर कंजर्वेशन का मामला है, सड़कों की सेफ्टी का मामला है, शराब से होने वाले नुकसानों का जो लोगों को पता नहीं है कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उससे किस तरह से नुकसान होते हैं बॉडी के अंदर, उन सब चीज़ों को अपने मॉडल के सहारे वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे पेरेंट्स को भी बुलाया है तो वो भी इससे जागरूक होते हैं